हेलो दोस्तों, आई मोबाइल में स्वागतम है। हम बताने वाले हैं यास 207 के बारे में। ये सबवूफर है, ये स्पीकर है। हम इसी को कनेक्ट करके डिसकनेक्ट करके हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे कनेक्ट करते हैं इसको। मैं भी बहुत परेशान था पहली बार, लेकिन कुछ हेल्प से कुछ मैं कर सका। चलिए, हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। यामाहा यास 207 सबवूफर के बारे में। सबवूफर मैं ये वायर लगाने जा रहा हूँ, देख रहे हैं आप। मैं पावर केबल लगा चुका हूँ, फिर मैं यहाँ से ऑन भी कर चुका हूँ। देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऑन हो चुका होगा। ये इसका रिमोट है। ये मैं टेप लगा रखा हूँ कि स्क्रैच ना आए। देखे, यहाँ पे ऑन हो चुका है, येलो कलर का लाइट जल रहा है। फिर मैं इसको भी ऑन करने जा रहा हूँ रिमोट से। देख रहे, ऑन हो चुका वो भी। फिर इसका भी मैं फिर अब ब्लूटूथ कनेक्ट। देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया यास 207 यामाहा। मैं इस पे क्लिक कर दिया हूँ, कनेक्ट हो चुका है। मैं अब गाना चलाने वाला हूँ। वॉल्यूम बढ़ा देखो, वॉल्यूम बढ़ा। कोई चैनल चलता ही ना था, जुड़ न देवर कहीं सिग्नल देना था। अरे यहाँ मेरे लिए अर्जन देना था, दिल घूम रहे जाने तूने कैसी थी टेंशन। अब मेरी मैं बस तेरा आप इसके पीछे के बटन होगा सबवूफर के पीछे, उसको दबाते ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैं उसको दबाना, देखे यहाँ पे इसके जो लाइट जल रहा है उसके बीच में एक रेड लाइट होगा। फिर उसके साइड में एक पुश बटन होगा जो लिखा होगा पैरिंग, उसको मैं क्लिक करने वाला हूँ। देख रहे हैं आप, मैं क्लिक कर चुका हूँ। रेड लाइट ब्लिंक करने लगा है। फिर ये डिस्कनेक्ट हो चुका है सबवूफर। मैं अब गाना चलाने वाला हूँ, देख रहे हैं आप। मैं इसे सिलेंट करके अब सिर्फ ये स्पीकर चल रहा है। देख रहे आप, सिर्फ अब ये स्पीकर चलेगा, अब ये नहीं चलेगा सबवूफर, अब नहीं चलेगा। बसती है जब इश्क की बूंदे गिरती हैं, रूहों को ठंडक मिलती है। सारे का सारे ये इश्क खुदा की नेमत है, ये इश्क खुदा की रहमत है। अब इसको दबाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। देख रहे हैं यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है इसके पीछे, सबवूफर के पीछे। हम इसको बटन को कुछ दबाने से कोई फायदा नहीं है। अब इसको
अब आप सोच रहे हो कैसे इसको कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन आदमी को पहले समझ में नहीं आता है। पहले स्पीकर को ऑफ़ करना है। मैं जो करने जा रहा हूँ, देख रहे हैं आप, मैं स्पीकर ऑफ़ कर दिया हूँ, लेकिन सो बूफर को ऑन रहने देना है। मैंने रिमोट से ऑफ़ करना है स्पीकर को, बस ये भी ऑन है, अभी वो भी ऑन है, लेकिन रिमोट से ऑफ है। फिर आपको यहाँ से सो बूफर जो वॉल्यूम है प्लस माइनस, आपको माइनस वाला दबा के रखना है, देख रहे हैं, दबा के रखना है। बाद में वहाँ पे ब्लिंक करेगा वो, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो जाएगा ऐसे करके, देख रहे हैं आप, कनेक्ट हो गया है। फिर मैं अब गाना चलाने वाला हूँ। अब देखो दोनों चलेगा, देख रहे आप। अब दोनों चल रहा है, देख रहे हैं आप, बहुत आसानी से देख रहे हैं, अब बहुत आसानी से कर लेंगे। सॉरी मैं थोड़ा बोलने में हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको कोई तकलीफ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं कोई भी जानकारी के लिए।